मैं तो एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, मुझे सीधे ही कलर्स कलर स्कीम पे बात शुरू करनी चाहिए थी, मगर मैंने तो बात शुरू से शुरू कर दी। जानते हैं क्यों? चाहे आर्किटेक्ट्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, कलर्स को लेकर के पढ़ते सभी हैं, सभी ने पढ़ के आए हैं, मगर उसके बाद भी गलतियाँ हो जाती हैं। नॉन प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, इस फील्ड से जुड़े हुए लोग हो गए, या एंड यूज़र, कोई भी लोग जो कलर्स के साथ में काम करते हैं, या हम अपनी डे टू डे लाइफ में उनको यूज़ करते हैं, हमारे से भी कई बार गलत डिसीजंस हो जाते हैं। मेरे से भी हुए, मगर अपनी गलतियों से मैंने सीखा है, और जो सीखा वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नमस्कार, मैं हूँ मीता रैना। अपने चैनल स्पेस द वर्ल्ड ऑफ इंटीरियर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे भी है। सभी आर्किटेक्ट्स, डिज़ाइन फील्ड से जुड़े हुए लोगों को इस दिन की बहुत सारी बधाई। हर रंग कुछ कहता है, इस सीरीज़ में हम रंगों के बारे में ही बात कर रहे हैं। अपने पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि रंग एक ऐसा माध्यम बन गया है जिसमें इस पूरे यूनिवर्स में होते हुए भी हम एक बहुत ही पर्सनल और यूनिक एक्सपीरियंस अनुभव कर सकते हैं। बहुत ही गहरा अनुभव हो सकता है आपको प्रकृति से जुड़ाव का। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछे कि अपने फेवरेट कलर का नाम बताइए, तो आप यही कहते हैं ना, मेरा फेवरेट कलर ब्लू है, रेड है, येलो है, व्हाटएवर, जो भी कलर है आपका। ये नहीं कहते कि ये सबका फेवरेट कलर है, क्योंकि वो सच में आपका अपना पर्सनल और यूनिक फेवरेट कलर है। मुझे फिरोज़ी रंग बहुत पसंद है। हो सकता है किसी को स्काई ब्लू पसंद हो, किसी को नेवी ब्लू पसंद हो, किसी को टर्कोइश ब्लू पसंद हो। कलर एक है, नाम और रूप अलग अलग हैं, इसीलिए पसंद अलग अलग हैं। वैसे एक बात और बताती हूँ, ब्लू एक ऐसा कलर है जो यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। इंसानों को ही नहीं, इवन मॉस्किटोज़ को भी ये कलर बहुत पसंद है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रकृति में लाइट के थ्रू जो भी रंगों को देखा गया, तो उसके अंदर इवोल्यूशन में भी इन रंगों का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत ज़रूरी है पिछले इतिहास को भी समझना कि हम कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, तभी हम आगे अपने फ्यूचर में उतनी ही मजबूती से कदम रख सकते हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है, किसी भी स्पीसीज़ को आगे बढ़ना है, तो जानते हैं उनके लिए सबसे ज़रूरी क्या है? मल्टीप्लाई होना। उनको सर्वाइव भी करना है और थ्राइव भी करना है, और इसमें कलर्स ने उनकी बहुत हेल्प करी है। कैसे? पौधा ही ले लीजिए, गुलाब का पौधा या किसी भी फूलों का पौधा, या कोई सा भी पौधा हो, जंगली ही हो, क्यों उसमें रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं? क्या वजह है उन फूलों के खिलने की? हरे ही हो जाते, इतना क्यों कष्ट किया? मगर वो इसीलिए हुए, तभी तो वो इंसेक्ट उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनके पास आ रहे हैं, परागण की क्रिया हो रही है, और वो फूल जगह जगह पौधों के बीच पहुंच रहे हैं और वो नए पौधे उग रहे हैं। कई पक्षियों में ये देखा गया है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेटिंग, प्रजनन के समय, उनके चोंच में, उनके पंजों के कलर्स में बदलाव हो जाता है, वो अलग रंग के दिखने लगते हैं। अपने पार्टनर को आकर्षित करने के लिए उनके अंदर कई बार रंग चेंज हो जाते हैं। ये सब चीज़ें हमें क्या बताती हैं? बदलाव इतनी बुरी चीज़ नहीं है, प्रकृति का नियम है। प्रकृति में हम सभी देखते हैं कि सभी एनिमल वर्ल्ड, सभी पूरी नेचर बदलाव को बहुत सहजता के साथ स्वीकार करता है। हम लोगों को थोड़ी बहुत मुश्किल होती है इसके साथ में। एग्ज़ाम्पल के लिए आप गिरगिट को ले लीजिए। गिरगिट जो है अपने रंग बदलने की क्षमता के लिए जाना जाता है। हम लोग जब इसके बारे में बात करते हैं, तो उसकी इस क्वालिटी को बड़े ही नेगेटिव वे में लेते हैं। कहते हैं, अरे ये तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, कभी कुछ कभी कुछ। पर अगर आप गिरगिट के नज़रिए से देखेंगे, तो ये तो उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी हुई ना। न केवल वो अपने आप को बचा पा रहा है अपने एनवायरनमेंट में मर्ज होकर के अपने शत्रुओं से, बल्कि वो किसी पे अटैक भी करना चाहता है तो उसको तो बड़ा फ़ायदा है। वो तो छुप गया, उसको तो देख नहीं पाए, वो अपने प्रे को बहुत आसानी से पकड़ लेता है। तो उसके लिए तो ये क्वालिटी सुपर क्वालिटी है। हम लोग
का नज़रिया चेंज के लेकर के या रंगों को लेकर के शायद अब मांगता है कि हम थोड़ा गहराई में सोचें। इसीलिए मैं कहती हूँ स्पेस द वर्ल्ड ऑफ इंटीरियर के हर रंग कुछ कहता है सीरीज से आप जुड़े रहिएगा। रंगों के बारे में छोटी बड़ी काम की या बेकाम की बात मेरे साथ शेयर करिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा मेरे इन वीडियो में आप और क्या चाहते हैं, मैं किस तरह से अपने इस वीडियो को और इंटरैक्टिव बना सकूं। आपके सजेशंस का मैं इंतज़ार करूंगी। स्पेस द वर्ल्ड ऑफ इंटीरियर के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले वीडियो में रंगों की इस कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।